रामनवमी का पर्व 30 मार्च को मनाया जा रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी पर क्या करे और क्या ना करे, ये जानकर आप भगवान श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ कपड़े पहने और फिर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर राम जी के बचपन की मूर्ति या तस्वीर रखें, फिर उनका गंगाजल से अभिषेक करें। अब उनकी रोली, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प आदि से पूजा करें। फल और घर में बने मीठे पकवान उनको अर्पित करें, उसका भोग लगाएं, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। चलिए जानते हैं रामनवमी पर क्या करें और क्या ना करें। रामनवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है, इसीलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में अवश्य स्नान करना चाहिए। यदि आप सरयू नदी में इस दिन स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना शुभ फल प्राप्त होगा। इस दिन राम रक्षा स्त्रोत, रामायण, बजरंग बाण आदि का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान राम आपकी सदैव रक्षा करेंगे। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करके उनकी मूर्ति को पालने में अवश्य झुलाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन अपने घर पर रामायण का पाठ अवश्य रखें। इस दिन किसी राम मंदिर में जाकर आपको भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। रामनवमी के दिन राम मंदिर में जाकर रामायण अवश्य बांटे, ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन जानवरों की सेवा अवश्य करें और उन्हें अपने हाथों से कुछ खिलाएं, ऐसा करने से आपको रामनवमी व्रत के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। रामनवमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान अवश्य दें, ऐसा करने से आपको भगवान राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। रामनवमी पर क्या ना करें। रामनवमी के दिन भूलकर भी किसी को अपशब्द ना बोले और ना ही किसी की निंदा करें। इस दिन घर पर लहसुन और प्याज का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। रामनवमी पर कन्या पूजन किया जाता है, इसीलिए इस दिन ना तो किसी कन्या को सताएं और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान श्री राम के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। इस दिन भूलकर भी घर में मांसाहार और शराब का प्रयोग ना करें। इस दिन घर में किसी प्रकार का कलह ना करें, नहीं तो आपके घर और से सुख और समृद्धि चली जाएगी। रामनवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना ना भूले, क्योंकि ये दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, आने और मुख करके पूजा ना करें। इस दिन भूलकर भी किसी देवी देवता का अपमान ना करें, ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी प्रकार से भूलकर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना गया है। रामनवमी के दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान ना करें, नहीं तो आपको प्रभु राम के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।